तो माय नेम इज़ ज़ुबैर अली। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंसेस। तो जहाँ पे भी हम सीरीज रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं उनकी आज हम वीडियोस बनाएंगे, और आपको इंशाल्लाह जो भी वीडियोस में कुछ क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो हमसे ज़रूर पूछें, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमसे पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास लेंथ ऑफ वायर है, रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम्स। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस है क्या चीज़। इट इज़ डिवाइस दैट अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टर। उसकी प्रॉपर्टीज के वैल्यूज को कहते हैं रेजिस्टेंसेस। तो हमारे पास जो रेजिस्टर है उसका जो वैल्यू है 4.5 ओम। उसके बाद कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द ट्वाइस द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, तो इसलिए यहाँ पे इसने लिखा है कि आप सेम मटेरियल, जब मटेरियल सेम होगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी सेम होगी। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसकी डायमेंशन चेंज हो गई है, जो मटेरियल सेम है उसकी जो लेंथ है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, उसकी एरिया 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। तो उसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, हमारे पास जो R1 है उसका वैल्यू 4.5 ओम्स, ये हमारा ओरिजिनल किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस है। अब उसी मटेरियल की अगर हम डायमेंशन को इंक्रीज करें 3/2 टाइम्स तो फिर क्या होगा, तो हम क्या करें 3/2 टाइम्स को मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस जो हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके करेंगे उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.75। अब मटेरियल सेम है, डायमेंशन हमने तब्दील की, तो हमारा क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है हमने आपको पढ़ाया था लॉज ऑफ रेजिस्टेंस में कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर जो एल डिनोट करिए लेंथ ऑफ द मटेरियल और एरिया ऑफ द मटेरियल ए को डिनोट कर रही है। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसी वजह से जब एरिया और लेंथ हमारी इंक्रीज हो गई तो रेजिस्टेंस के वैल्यू में भी फर्क आ गया। उसके बाद टॉपिक का क्वेश्चन है प्रॉब्लम में हमारे पास फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन नेटवर्क। तो हमारे पास पहला नेटवर्क है जिसमें 4 रेजिस्टर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। देखिए आप सारे जंक्शन के थ्रू कनेक्टेड हैं, वो एक ही बात है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा सीरीज सर्किट है या सीरीज नेटवर्क है। इसमें 4 रेजिस्टर कनेक्टेड है, वो हर एक का वैल्यू अलग है। R1 का वैल्यू हमारे पास 1 मेगा ओम है, R2 का 1.5 मेगा ओम, R3 का 0.15 और R4 का 0.05 मेगा ओम। सबका वैल्यू डिफरेंट है। तो हमें पता है कि सीरीज रेजिस्टेंस में कैलकुलेशन क्या होती है, डायरेक्ट ऐड करते हैं हम, तो क्या करेंगे R1 + R2 + R3 + R4। तो जैसे वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.7 मेगा ओम। और ये मेगा क्या है, ये मेगा 10^6 के बराबर, ये मेगा क्वांटिटी को शो करता है कि 10^6 के बराबर है। हाँ, यहाँ पर मेगा आप देखें कैपिटल अल्फाबेट में लिखा हुआ है, अगर ये स्मॉल अल्फाबेट में लिखा हुआ है ऐसे तो इसको मेगा नहीं पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे मिली। इसकी ये भी वैल्यू को शो कर रहा है, इसका वैल्यू होता है 10^-3। तो हमेशा आप देखेंगे अगर कैपिटल एम है तो वो मेगा को शो करेगी, उसके वैल्यू होगा 10^6, और स्मॉल एम है तो हम उसको 10^3 की इक्विवेलेंट करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा नेटवर्क है कि 2 बल्ब हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, वो हर एक बल्ब की रेटिंग 100 वाट है, उसकी वोल्टेज रेटिंग 100 वोल्टेज है। तो हमें फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस दोनों बल्ब का। तो पहले देखेंगे दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फार्मूला जब हमारे पास वोल्टेज अवेलेबल हो और पावर अवेलेबल हो तो फार्मूला है R V² / पावर, या V को हम डबल 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसके पावर से डिवाइड करेंगे तो हमें उस लोड का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो बल्ब V1 का अगर हमें रेजिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे V² / P। तो V² हमारे पास है 100 वोल्ट, तो 100 × 100 / पावर ऑफ द बल्ब, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 ओम्स। तो ऐसा समझ लें कि ये सेम रेजिस्टर एक कनेक्टेड है जिसका वैल्यू है 100 ओम्स, उसके साथ दूसरा सीरीज में कनेक्टेड है उसका वैल्यू भी फाइंड करेंगे हम
उसी फॉर्मूले से उसी तरह कि आर टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 कौन सा आ जाएगा 100 ओम। तो ये दूसरा रेजिस्टर कनेक्टेड उसका वैल्यू आ गया 100 ओम। तो दोनों रेजिस्टर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आर टी इज इक्वल 100 प्लस 100 इक्वल 200, तो 200 ओम हो गया इसी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। हमारे पास रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं थे, हमने क्या किया कि लोड से हमने रेजिस्टेंस फाइंड किए, उनके पास देखा कि दोनों रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड थे तो हमने उनको डायरेक्ट में सम कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई सवाल है तो हमसे पूछ रहे कमेंट सेक्शन में लिख के। थैंक यू वेरी मच।